बच्चा है, टॉय या टेडी बेयर नहीं है, जो तुम उसे बड़े बड़े रिबन्स और बो वाले कपड़े पहना रहे हो, और पता चले उसी बो पे उसका पैर स्लिप हो गया और वो नीचे गिर गया बच्चा। प्रियंका, यू आर वॉचिंग इट सिंपल, और आज की वीडियो क्लास 12th होम साइंस के लिए है। सो लेट्स स्टार्ट विद यूनिट 4, चैप्टर 13, सिलेक्शन ऑफ फैब्रिक एंड अपैरल। तो सबसे पहले आता है सिलेक्शन एंड परचेज ऑफ फैब्रिक। तो एक अच्छा कपड़ा खरीदने के लिए हमें डिफरेंट पैरामीटर्स, डिफरेंट क्राइटेरियाज ऑफ द फैब्रिक के बारे में पढ़ना पड़ेगा। वो क्या क्राइटेरियाज होते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो मेन हमारी बेसिक 7 चीज़ें हैं जिनके बेसिस पे हम कोई भी कपड़ा खरीदने जाते हैं। पहली चीज़ क्या है, पर्पस, कि तुम वो कपड़ा ले ही क्यों रहे हो। या तो तुम घर में डेली वेयर के लिए ले रहे हो, या फिर तुम पार्टी, फेस्टिवल या फंक्शंस के लिए ले रहे हो। अगर तो तुम वो कपड़ा घर के पहनने के लिए खरीद रहे हो, तो तुम ये बात ध्यान में रखोगे कि वो कंफर्टेबल होना चाहिए, क्योंकि घर पे पहनने के लिए तो घर पे तो तुम्हें कोई ज़्यादा देख नहीं रहा है, तो घर पे तुम कंफर्टेबल रहना चाहते हो। इसलिए सबसे पहले आएगा पर्पस के अकॉर्डिंगली, अगर तुम घर के बात कर रहे हो, कंफर्ट, ठीक है, पर्पस में। दूसरा, अगर तुम फेस्टिव सीजन के लिए कुछ खरीद रहे हो या फिर किसी फंक्शन में जाने के लिए, तो उसमें हो सकता है एम्ब्रॉयडरी हो रखी हो सकता है नग वग लगे हो, सीक्वेंसेस लगे हो एंड ऑल दैट थिंग्स, तो वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल में चला जाता है। इसीलिए हम पर्पस के अकॉर्डिंगली सबसे पहले कपड़े लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ यही है पर्पस, कि तुम्हारा मकसद क्या है, मेन मोटिव क्या है कपड़े को लेने का, तुम क्यों लेना चाहते हो, घर के पहनने के लिए, फेस्टिव सीजन के लिए, या किसी और चीज़ के लिए। पर्पस में एक और चीज़ आ जाती है, जैसे कि अगर तुम अपहोल्स्ट्री के बारे में बात कर रहे हो, जो सोफ़ों पे कपड़ा लगा होता है, जैसे तुमने देखा होगा सोफ़े पे जो कपड़ा होता है वो स्टर्डियर होता है, दैट इज़ थोड़ा सा सॉलिड टाइप का होता है इन कंपैरिजन टू कर्टन्स। कर्टन्स पे एकदम हल्का फुल्का सा कपड़ा होता है, पतला सा, और सोफ़ों पे थोड़ा स्टर्डियर होता है। दूसरी चीज़ जो हमारे कपड़ों की सिलेक्शन को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करती है, वो है कॉस्ट, दैट इज़ कि पैसे कितने लग रहे हैं उस कपड़े पे। हर कोई सस्ते दाम में बढ़िया से बढ़िया कपड़ा खरीदना चाहता है, पर वो तो पॉसिबल है नहीं। तो पहले आ जाते हैं ओरिजिन ऑफ फाइबर्स, दैट इज़ तुम्हें पता है सिल्क और प्योर वूल ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा कॉटन से, कॉटन बहुत ज़्यादा कॉमन है। फिर है फाइबर की लेंथ, दैट इज़ दो तरीके की फाइबर की लेंथ होती हैं, फिलामेंट फाइबर्स एंड स्टेपल यार्न। ये कैसी होती हैं, इनके बारे में बात कर लेते हैं। स्टेपल फाइबर जो होता है वो छोटा होता है लेंथ में, काइंड ऑफ इन कंपैरिजन टू द फिलामेंट फाइबर्स। तो इन्हें हम कह सकते हैं कि इनकी फाइनाइट लेंथ है। तो मैनमेड में पॉलिएस्टर आ जाएगा, और नेचुरल में कौन सा आ जाएगा, कॉटन हो गया, वूल हो गया, ओके, तो ये वाले हो गए स्टेपल फाइबर्स। फिर आ जाते हैं फिलामेंट फाइबर्स पे, ये वो फाइबर्स हैं जो थोड़े लॉन्ग होते हैं, जैसे इनफाइनाइट हम इन्हें काइंड ऑफ कह सकते हैं। फिलामेंट फाइबर्स काफ़ी लंबे होते हैं, काफ़ी ज़्यादा, जैसे कि सिल्क बहुत लंबा है फाइबर, और सिंथेटिक मैनमेड में कौन सा होगा, नायलॉन। क्योंकि फिलामेंट फाइबर्स ज़्यादा लंबे होते हैं, जैसे सिल्क है, फिलामेंट फाइबर्स जो होते हैं वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं रादर देन स्टेपल यार्न्स, क्योंकि स्टेपल यार्न्स तुम्हें पता है जैसे कि कॉटन हो गया, अभी हमने बात करी, वो सारे थोड़े छोटे होते हैं इन लेंथ में, और फिलामेंट फाइबर्स काफ़ी लंबे होते हैं लेंथ में। 12 वीव के कपड़े ज़्यादा महंगे होंगे प्लेन वीव से, ओके, एक्सक्लूसिव डिज़ाइन जिस पे हो रखा होगा, हाथ की कारीगरी हो रखी होगी एंड थिंग्स लाइक दैट, वो वाले भी ज़्यादा एक्सपेंसिव होंगे कपड़े। विथ के अकॉर्डिंग भी एक्सपेंस इंक्रीज हो जाता है कपड़ों का। फिर फिनिशेस पे आते हैं, सैनफोरिजेशन, मर्सराइजेशन, जो फिनिशेस होते हैं, जैसे कि मर्सराइजेशन का जो हो गया वो कॉस्ट तुम्हारी बढ़ा देगा। मर्सराइजेशन से होगा क्या, जो भी तुम्हारा टेक्सटाइल है, सपोज कर लेते हैं कॉटन, उसको हम ट्रीट करेंगे, मतलब इस प्रोसेस के बारे में बात हो रही है कि मर्सराइजेशन में होता क्या है। कॉटन जैसे तुम्हारा टेक्सटाइल हो गया, उसको ट्रीट करोगे तुम कॉस्टिक NaOH के साथ, तो उसके बाद क्या होगा, जो टेक्सटाइल है, जो फैब्रिक है, उसकी फाइबर की स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी, श्रिंकिंग की पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी, दैट इज़ वो थोड़ा श्रिंक कम होगा, श्रिंकेज रेजिस्टेंस, और उसमें लस्टर ऐड हो जाएगा। इसी तरीके से सैनफोरिजेशन का प्रोसेस है, बहुत लंबा प्रोसेस है, उसके बारे में तुम्हें इतनी डिटेल्स में जानने की ज़रूरत नहीं है। ये प्रोसेस हम बेसिकली करते क्यों हैं, ताकि जो श्रिंकेज है वो कम हो जाए। ठीक है, अभी हमने बात करी इन दो प्रोसेसेस की, अगर ऐसे कोई स्पेशल प्रोसेसेस परफॉर्म किए जा रहे हैं हमारे टेक्सटाइल पे, फैब्रिक पे, तो ऑफकोर्स डेफिनेटली इन फिनिशेस की वजह से जो फैब्रिक है उसका प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। फिर ऐसी कौन सी थर्ड चीज़ है जो हम ध्यान में रखते हैं कपड़े लेने से पहले, सीजन, यस, यही चीज़ है। तो इसमें बेसिक एग्जांपल मेन क्या हो सकता है, कॉटन एंड वूल।
ऑफ कोर्स तुम गर्मियों के टाइम पे वूल के कपड़े तो पहनोगे नहीं, और तुम सर्दियों में कॉटन के नहीं पहनोगे। सर्दियों में तुम्हें गर्मी चाहिए होती है, और गर्मियों में तुम्हें हल्के कपड़े पहनने होते हैं ताकि वो स्वेट को अब्जॉर्ब कर पाए और तुम कंफर्टेबल भी फील कर पाओ। तो कॉटन और वूल का तो सभी को पता है, बेस्ट एग्जाम्पल है सीजन्स के बारे में। फोर्थ चीज़ जो हमें कपड़े लेते हुए ध्यान रखनी चाहिए वो है क्वालिटी ऑफ द फैब्रिक, कि उसमें हाई थ्रेड काउंट्स हो और कोई भी लूज थ्रेड्स ना निकल रहे हो। ऑफकोर्स अगर लूज थ्रेड्स निकल रहे हैं तो मैं साफ पता चल जाएगा वो कपड़ा सही से बना भी नहीं हुआ, या फिर उसके धागे बड़ी आसानी से निकल सकते हैं और वो कपड़ा जल्दी खराब हो जाएगा। सबसे पहली चीज़, तुम किसी भी दुकान में जाते हो तो तुम क्या देखते हो? दूर से ही तुम देखते हो वो चमकता हुआ कपड़ा सिल्क या फिर वो सैटन का चमकता हुआ कपड़ा, वही चाहिए हमें। तो अपेयरेंस से तुम कन्विंस हो जाते हो। तो सबसे पहली चीज़ क्वालिटी में आती है अपीयरेंस, जो हम देख के ही सिलेक्ट कर लेते हैं अपीयरेंस। फिर आता है ड्यूरेबिलिटी, फिर ईज ऑफ मेंटेनेंस, इस कपड़े को कैसे तुम्हें मेंटेन करना पड़ेगा। हो सकता है कपड़े में बहुत ज़्यादा रिंकल्स आ जाते हो, तुम्हें बार 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 आयरन करना पड़े उस कपड़े को, या बहुत जल्दी गंदा हो जाता हो तो तुम्हें बहुत धोना पड़ेगा उस कपड़े को, तुम्हारा काम बढ़ जाएगा। तो तुम ईज ऑफ मेंटेनेंस भी देखोगे कपड़े का, और फिर कंफर्ट भी आता है कि कपड़ा क्या सॉफ्ट है इतना। कुछ कपड़े हार्श होते हैं, हमारी स्किन को लगते हैं, और कुछ फैब्रिक्स में ऐसे कुछ फाइबर्स भी हो सकते हैं जिनसे हमें एलर्जी हो जाए, तो वो सब भी हमें लेबल पे पढ़ लेना चाहिए कपड़े खरीदने से पहले। अब आ जाते हैं अपीयरेंस पे, ओरिजिन एंड साइज ऑफ फाइबर। तो सबसे पहले तो यही है, जो कपड़े बने होते हैं कॉटन जूट वूल के, वो थोड़े से देखने में डल लगते हैं, वेयर एज जो सिल्क और रेयन है वो थोड़े ग्लॉसी लगते हैं, तो देखते ही हमें सबसे पहले वो ही पसंद आते हैं। स्टेपल फाइबर्स जैसे कि क्या पॉलिएस्टर हो गया, वो थोड़े कॉर्स होते हैं, वेयर एज दोज मेड विद फिलामेंट फाइबर्स, इनके बारे में हम बात कर चुके हैं कि ये थोड़े लॉन्ग हैं। लॉन्ग फाइबर जैसे कि नेचुरल में तुम्हारा सिल्क हो गया, काफ़ी लंबा फाइबर होता है उसका उसका। तो फिलामेंट फाइबर्स और स्टेपल फाइबर्स, इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। फिर वीव जो होता है, जैसे प्लेन और साटन वीव हो गए, वो बहुत स्मूथ होते हैं, वेयर एज जो रिब और बास्केट वीव हो गए वो कॉर्स होंगे। उसी तरीके से प्रिंट्स भी हैं, स्मॉल प्रिंट्स डैंटी लगते हैं और लार्ज प्रिंट्स बहुत ज़्यादा बोल्ड लगते हैं। कलर कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंगली भी कभी कभार फैब्रिक बहुत अच्छा लगता है, कभी कभार बुरा लगता है, क्योंकि कलर कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं फैब्रिक के अंदर। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट है हमारा ड्यूरेबिलिटी, दैट इज लाइफ कितनी है गारमेंट की, जिंदगी कितनी है, कब तक चलेगा। ये किस बात पर डिपेंड करता है कि ये इस बात पर डिपेंड करता है कि कपड़ा कितने टाइम बाद फटेगा या फिर श्रिंक हो जाएगा, सूख जाएगा। अगर कपड़ा श्रिंक हो गया तो तुम वो कपड़ा फेंक दोगे, अगर फट गया तो फेंक दोगे, या फिर इंसेक्ट्स का भी डर होता है कभी कभार। तो इसके इस ड्यूरेबिलिटी के टॉपिक में हमें काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में ध्यान देना पड़ता है, जैसे कि टाइप ऑफ यार्न। जैसे कि टेराकॉट एंड कॉट्स वूल जो होती हैं वो ज़्यादा ड्यूरेबल होती हैं रादर देन जो सिंगल प्लाई यार्न होता है। अगर यार्न में मीडियम ट्विस्ट है तो वो ज़्यादा ड्यूरेबल रहेंगी, एक्सेप्ट विदाउट अ ट्विस्ट। फाइबर, मैन मेड फाइबर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं इन कंपैरिजन टू द नेचुरल फाइबर। एक्सेप्शन यहाँ दिया हुआ है रेयन है। वीव, वीव में भी हम पढ़ चुके हैं कि वूवन फैब्रिक्स जो होते हैं वो ज़्यादा स्टर्डी होते हैं दैन नेटेड फैब्रिक्स, और प्लेन और ट्विल वीव जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं इन कंपैरिजन टू बास्केट एंड सेटन वीव। ओके, फिर थ्रेड काउंट, थ्रेड काउंट भी तुम्हें पता होगा कि नंबर ऑफ रैप्स एंड वेफ्ट यार्न पर स्क्वायर इंच। अगर थ्रेड काउंट ज़्यादा है कपड़े का तो जो कपड़ा है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और स्टर्डी है और इतनी जल्दी नहीं फटने वाला। फिर हम इसके बारे में भी पढ़ चुके हैं कि मर्सराइजेशन और सैनफोराइजेशन। फिर डिफरेंट टेक्निक्स जो यूज़ कर रखी होंगी कपड़ों में, जैसे कि मर्सराइजेशन और सैनफोराइजेशन, उनसे क्या होगा, श्रिंकेज कम हो जाएगी और मर्सराइजेशन से लस्ट आ जाएगी, एक चमक आ जाएगी थोड़े से कपड़े में। तो ऐसी चीज़ों से जो फैब्रिक है वो और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा इन कंपैरिजन टू जो नॉर्मल फिनिशेस दिए गए होंगे रिंकल रिकवरी के लिए या फिर कुछ ऐसा। ओके, फिर है इजी मेंटेनेंस, दैट इज़ कि अगर कपड़े में बहुत ज़्यादा देखभाल होगी ना तो तुम भी वो कपड़ा पहनने से दो बार सोचोगे, पहले दो बार सोचोगे कि मतलब ये कपड़ा पहने या कोई और ही कपड़ा पहन लेते हैं, चलो इसको तो इतना ऐसे धोना पड़ेगा या फिर इस कपड़े को ऐसे सुखाना पड़ेगा, इसमें इतनी बार आयरन करना पड़ेगा क्योंकि बार बार इसमें रिंकल्स आ जाते हैं। तो तुम बार बार सोचोगे वो कपड़ा पहनने से पहले और ऑटोमेटिकली तुम वो कपड़ा ही खरीदना बंद कर दोगे। तो कपड़े जो हैं वो ईजी टू मेंटेन हो, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि क्या ब्लेंडेड फैब्रिक जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा ईजी टू मेंटेन होते हैं, जैसे इस इमेज में दिया हुआ है, इस टेबल में वूल ब्लेंड, ये इजी टू केयर है। फिर है निटेड फैब्रिक्स, निटेड फैब्रिक्स को कम जरूरत होती है आयरनिंग की, वेयर एज जो लेसेस हैं वो जल्दी फट भी सकती हैं और उन सबको ज्यादा केयरफुल हमें हैंडल करना पड़ता है।
फिर आता है क्रीज रेजिस्टेंस, अगर कोई फैब्रिक है दैट इज़ बार बार उसमें रिंकल्स नहीं पड़ते उस फैब्रिक में, तो तुम्हें उसे इतनी बार आयरन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारा टाइम भी सेव होगा और ऑटोमेटिकली ईजी भी है वो मेंटेन करने के लिए। उसी तरीके से अगर फैब्रिक जो है इंसेक्ट प्रूफ है, माइल्डियो रेजिस्टेंस है और मॉइस्चर रिपेलेंट है, उस पर कोई फिनिशेस हो रखी हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा ईजी टू मेंटेन होगा। फिर आता है सेवन्थ कम्फर्ट। तो दो चीज़ें इसमें मेन, साइकोलॉजिकल और फिजिकल कंफर्ट। साइकोलॉजिकल तुम्हारा सारा दिमाग का खेल है। सो साइकोलॉजिकल कंफर्ट में होता क्या है, तुम टीवी पे देख रहे हो आज ये फैशन चल रहा है कोई भी तरीके के कपड़े पहनने का पर्टिकुलर, तो तुम उसको देख के तुम चार चीज़ें परचेज करते हो मार्केट से और उसी फैशन के उसी ट्रेंड्स के तुम कपड़े पहन रहे हो। चार दिन बाद जब वो ट्रेंड चला जाएगा और कोई नया ट्रेंड आ जाएगा तो तुम तो कहोगे कि नहीं यार ये कपड़े तो बेकार हैं, दूसरे के लेटेस्ट ट्रेंड वाले कपड़े खरीदते हैं। ये जो साइकोलॉजिकल कंफर्ट है ये सारा तुम्हारा दिमाग का खेल है कि जब तुम्हें लगता है कि तुम ट्रेंड के अकॉर्डिंग तुमने कपड़े पहने हुए हैं या फैशन के अकॉर्डिंग मार्केट में जो भी कपड़े इन हैं उसके अकॉर्डिंगली तुमने जो कपड़े पहने हुए हैं, तो तुम्हें एक तरीके की साइकोलॉजिकल कंफर्ट फील होती है। फिजिकल कंफर्ट जो हमें बाहर से जैसे फील हो जाती है कपड़े को टच करते ही कि कपड़ा या तो सॉफ्ट होगा या हार्श होगा, हार्श होगा तो ऑब्वियसली तुम वो कपड़ा नहीं लोगे, मतलब फैब्रिक से ही तुम्हें उसको टच करने से पता चल जाता है कि वो सॉफ्ट है या हार्श है। फिर है एयर परमीएबिलिटी, कि हवा पास हो सके फैब्रिक के थ्रू, मॉइस्चर एब्जॉर्बेंट जैसे कि कॉटन होता है स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेता है, गुड कंडक्टिविटी मतलब वही है कि हीट पास हो सके कपड़े के थ्रू, जो हम गर्मियों में पहनते हैं थोड़ा खुला सा कपड़ा होता है और हीट पास हो सकती है उस कपड़े के थ्रू, और अगर वो पुअर कंडक्टर हुआ पुअर कंडक्टिविटी वाला कपड़ा हुआ तो वो तुम कब पहनोगे जिसके थ्रू हीट पास नहीं हो सकती, वो तुम सर्दियों में पहनोगे। फिर आता है वेट, लाइट वेटेड कपड़ा जितना होगा उतना ही ज़्यादा वो कंफर्टेबल होगा, नॉन एलर्जिक, दैट इज़ कुछ फैब्रिक्स में ऐसे फाइबर होते हैं जो एलर्जी कॉज कर सकते हैं, तो उस चीज़ का भी हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। सिलेक्शन ऑफ अपैरल में बेसिक क्राइटेरियाज क्या होते हैं कपड़ों को सिलेक्ट करने के, बहुत सारे होते हैं, जैसे कि क्या एज हो गई, एज में तुम देखोगे अगर छोटा बच्चा है तो प्रोबेबिलिटी है कि वो अपने कपड़े बार 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 बहुत जल्दी जल्दी गंदे करेगा, तो मतलब खाना वाना गिरा देगा जो सबसे छोटा बच्चा है, तो तुम्हें उसके लिए ऐसे कपड़े सिलेक्ट करने पड़ेंगे जो ईजी टू क्लीन हो, क्योंकि वो कपड़ा बहुत ज़्यादा, और जो स्पॉट भी हो सके कि मतलब स्पॉट इन द सेंस कि लाइट कलर के कपड़े, ताकि दिख सके कि उसने फिर से कपड़े गंदे कर दिए हैं। ओके, साइज़ के अकॉर्डिंगली ऑफ कोर्स, क्लाइमेट, सर्दियों में तुम कैसे कपड़े पहनते हो वूल के और गर्मियों में तुम कॉटन वाले पहनते हो, तो क्लाइमेट भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ऑक्यूपेशन, अब कोई ऑफिस वर्कर है, कोई ऑफिस में 8 घंटे डेस्क जॉब करता है बैठ के, उसे तुम जैजी और जटैक कपड़े तो नहीं पहना दोगे ना, उसको तुम ऑफिस वेयर फॉर्मल कपड़े एकदम ड्रेसअप होके उसे जाना पड़ेगा ऑफिस, फैशन ट्रेंड्स के अकॉर्डिंगली भी कपड़े सेलेक्ट करे जा सकते हैं। ओके, पहले आ जाते हैं एज पे। एज में हम इन्फेंट्स जो सबसे छोटे बच्चे हैं उनसे लेके हम ओल्ड एज तक के बारे में, सारी एज ग्रुप्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले सबसे छोटे बच्चे इन्फेंट्स, उनके बारे में, उनकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है न्यूबॉर्न बेबीज़ की, तो इसीलिए सबसे पहली चीज़ जो हमें ध्यान में रखनी है वो है कंफर्ट, कि उनके कपड़े बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होने चाहिए, लाइट वेट होने चाहिए, एब्जॉर्बेंट होने चाहिए और परमिएबल होने चाहिए, क्योंकि बच्चे पैदा होते ही तो खुद से कपड़े पहनना स्टार्ट नहीं कर देते, उनके पेरेंट्स ही उन्हें पहनाते हैं और वो बहुत ज़्यादा नखरे भी करते हैं कपड़े पहनते हुए, इसलिए काफ़ी ज़्यादा उनके कपड़ों में साइड में यहाँ पे बटन्स दिए होते हैं और वेलक्रो भी यूज़ की जाती है। ईजी टू वेयर कपड़ा होना चाहिए, दैट इज़ कि गले के अराउंड, नेक के अराउंड कपड़ा बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो हेड के पास जाके स्टक हो जाएगा और फिर बच्चा सफोकेटेड फील करेगा। एक्स्ट्रा अलाउंस फॉर ग्रोथ, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमें पता है सबसे ज़्यादा फास्ट ग्रोथ होती है छोटे बच्चों की, इन्फेंट्स की, और स्पेशली जो न्यूबॉर्न होते हैं उनकी, तो इसीलिए थोड़ी अलाउंस देनी चाहिए ग्रोथ के लिए, मतलब थोड़ा सा, ऐसा नहीं कि एकदम टाइट कपड़े पहना दिए बच्चों को, थोड़े से लूज जो जिनमें बच्चा कंफर्टेबल फील कर सके। एक जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया हुआ है कि जब बच्चा क्रॉलिंग स्टार्ट कर देता है द ड्रेस कैन बी रीइंफोर्स्ड एट नीज, इस फिगर में दिखा भी रखा है यहाँ पे। फिर आता है इजी टू मेंटेन, कपड़ा इजी टू मेंटेन हो, बार बार धुलेगा वही कपड़ा, और मतलब बच्चे बहुत जल्दी कपड़े गंदे कर देते हैं तो, और खेल कूद भी उनका बहुत ज़्यादा होता है तो स्वेटिंग भी काफ़ी होगी, तो इसीलिए थोड़ा सा एब्जॉर्बेंट भी होना चाहिए कपड़ा। कलर जो होते हैं वो पेस्टल कलर्स होने चाहिए, एकदम लाइट सॉफ्ट पिंक्स ब्लूज जो लाइटिश कलर्स होते हैं ना, उनसे क्या होगा जो डर्टी स्टेन्स और बाकी सारी चीज़ें होंगी डर्ट वर्ट वो सारी एकदम से विजिबल होंगी, मतलब मेन मोटिव यही है कि बच्चा गंदे कपड़े ना पहने और जो भी डर्ट वर्ट है और जैसे उसने कपड़ा गंदा कर दिया तो पता चल जाए और उसके कपड़े चेंज हो जाएँ।
नहीं तो ब्लैक कलर क्लॉथ में इतनी इजीली स्टेन्स और ये सब विजिबल नहीं होंगे। ठीक है, एक बार टेबल में भी देख लेते हैं, कोई पॉइंट तो नहीं रह गया। इन्फेंट्स के लिए यही है, सॉफ्ट पेस्टल कलर, कंफर्टेबल, लाइट वेट, तो यही सारे पॉइंट्स हैं। तुमने वो तो सुना ही होगा कि बच्चा बूढ़ा एक बराबर, मतलब कि दोनों के लिए ही बहुत ज़्यादा टेक केयर करनी पड़ती है, बच्चों के लिए भी और ओल्ड एज पीपल के लिए भी। सो दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट, मतलब ये लास्ट है पर फिर भी अभी हम इसी से करते हैं स्टार्ट, क्लोथिंग के लिए। मतलब ये ओल्ड एज वाला टॉपिक्स ऑफकोर्स चिल्ड्रन, अडोल्सेंस और इन सब के बाद आना चाहिए, पर पहले क्योंकि ये सेंसिटिव वाली बात हो रही है कि मतलब इन दोनों के लिए, सबसे इन्फेंट्स के लिए और ओल्ड एज के लिए काफ़ी कंफर्टेबल क्लोथ्स होते हैं, तो सिमिलैरिटीज़ काफ़ी हैं, तो ओल्ड एज के बारे में बात कर लेते हैं। सो ओल्ड एज में कंफर्टेबल क्लोथ्स होने चाहिए, बिल्कुल जैसे बच्चों के होते हैं एकदम, क्योंकि उनकी स्किन इस टाइम पे भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है, और लाइट वेट और कंफर्टेबल होने चाहिए, बहुत ज़्यादा इजी टू वेयर होने चाहिए। तो तुमने देखा होगा ओल्ड एज में जो स्वेटर्स पहनते हैं उनमें बड़े बड़े बटन्स लगे होते हैं, जिप्स होती हैं, क्योंकि वो उन्हें डिफ़िकल्टी होती है कपड़े पहनने और उतारने में, जब बहुत ही एक्सट्रीम ओल्ड एज हो जाती है, 60 अबव की बात कर रहे हैं। ईजी टू मेंटेन होने चाहिए, दैट इज़ कि ईजिली वॉशेबल हो, ये ना हो कि कपड़े को धोते ही जा रहे हैं वो उसमें से वो निकल ही नहीं रहा जो भी स्टेन है, समथिंग लाइक दैट। तो थोड़े से स्टेन रेजिस्टेंट होंगे अगर कपड़े, तो और अच्छा रहेगा ओल्ड एज पीपल के लिए, उन्हें ज़्यादा इतना एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नॉन एलर्जिक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ओल्ड एज के लिए, कि कुछ ऐसे फाइबर्स होते हैं फैब्रिक में जो तुम्हें एलर्जी का एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है हो जाए, तो उस चीज़ को भी बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना चाहिए। फिर आ जाते हैं क्लोथिंग फॉर टॉडलर्स एंड चिल्ड्रन पे। सबसे पहली चीज़ जो हम ध्यान में रखेंगे कि अब वो थोड़े बड़े हो गए हैं बच्चे, तो उनका कंफर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉफ्ट एब्जॉर्बेंट फैब्रिक होना चाहिए, स्वेट एब्जॉर्ब कर पाए, गुड कंडक्टिविटी हो कपड़े में, लाइट वेट हो, इजी टू वेयर। अब बच्चे बड़े हो गए हैं इसलिए वो कपड़े खुद से पहनना पसंद करते हैं, तो ऐसे कपड़े हों जो वो खुद से पहन भी पाएँ, जैसे कि उनमें बड़ी बड़ी जिप्स लगी हों ताकि वो खुद से उस जिप को बंद कर पाए, या फिर थोड़ा नेक थोड़ा सा बड़ा हो जिससे उन्हें ईज हो पहनने में कपड़े को। एक्स्ट्रा अलाउंस, सबसे ज़्यादा बच्चे ग्रो करते हैं बचपन में, दैट इज़ जब वो छोटे होते हैं, ऑफकोर्स उनकी ग्रोथ काफ़ी रैपिड होती है इन्फेंसी में, उसके बाद चाइल्डहुड में थोड़ी सी स्लो हो जाती है, पर ग्रोथ स्टिल हो रही होती है। सो एक्स्ट्रा अलाउंस, थोड़ा सा ऐसे फीचर्स हों कपड़े में कि बच्चा ग्रो कर रहा है तो इसे सफोकेटेड ना फील हो, क्योंकि वही कपड़े काफ़ी महीने पहनने होते हैं, मतलब एक कपड़ा जो लिया एक दो महीने तो पहनता ही है इंसान, तो थोड़े से स्ट्रेचेबल हों और थोड़ा सा ईजी टू वेयर हो। सेफ्टी, बच्चा है, टॉय या टेडी बेयर नहीं है जो तुम उसे बड़े बड़े रिबन्स और बो वाले कपड़े पहना रहे हो और पता चले उसी बो पे उसका पैर स्लिप हो गया और वो नीचे गिर गया बच्चा, तो इसीलिए सेफ्टी कम्स फर्स्ट। कि बच्चे को ऐसे वो होते नहीं है फ्रिल्स वाले कपड़े पहना देते हैं छोटे छोटे बच्चों को, और ऐसे बड़े बड़े बोज और ये सब, तो मतलब तुमने क्या टॉय समझ रखा है बच्चे को, और हो सकता है वो बो खुल जाए और उस बो पे इतने लंबे लंबे बोज और फ्रिल्स पे बच्चा खुद ही गिर जाए, उसको कहीं चोट लग जाए, तो इसीलिए सारी फैंसी चीज़ें कभी कभार के लिए ठीक होती हैं, जैसे फेस्टिव टाइम के लिए और कभी, और वो भी बहुत कम, क्योंकि सेफ्टी कम्स फर्स्ट। फिर ड्यूरेबिलिटी और इजी टू मेंटेन, दैट इज़ कपड़ा थोड़ा सा स्टेन रेजिस्टेंट हो कि मतलब उसके जो स्टेन्स हैं कपड़े के वो आसानी से साफ हो पाए, ड्यूरेबल भी हो, ये नहीं कि एक बार धुलाई में कपड़े फट गए, कपड़े में छेक हो गया है, इतने अच्छे से धो दिया है, धोना तो चलो छोड़ो, ड्यूरेबिलिटी फिर भी कपड़े में खुद से होनी चाहिए कि वो थोड़ा सा रेजिस्टेंट हो फ्रिक्शन के, जो हम फ्रिक्शन करते हैं कपड़े को धोते हुए, या फिर अगर मशीन में भी धुल रहे हैं तो उसमें भी तो सर्कुलर मोशन में ही होगा, फ्रिक्शन तब भी अप्लाई होगी। फिर यही है टेबल में भी कि फास्ट हों, मतलब आसानी से सूख जाएं, ड्राइंग के टाइम पे भी स्टिचिंग कर रखी हो स्ट्रॉन्ग थ्रेड से और कलर फास्ट थ्रेड से, जिप्स फ्रंट में होनी चाहिए ताकि वो आसानी से पहन पाएँ। फिर आ जाता है क्लोथिंग फॉर अडोल्सेंट्स, तो इसमें क्या होता है जैसे कि एक्स्ट्रा अलाउंस होनी चाहिए, थोड़ी सी वहाँ पे स्पेस होनी चाहिए, जैसे इनफ सीम्स होनी चाहिए क्लोथ्स में, और अकॉर्डिंग टू फैशन इनकी साइकोलॉजिकल कंफर्ट पहले आती है देन फिजिकल कंफर्ट। कि अडोल्सेंट्स हैं इसलिए बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं स्पेशली पीयर ग्रुप से, जो पीयर प्रेशर के बारे में भी तुमने पढ़ा होगा, सो उसी के अकॉर्डिंगली इन्हें पहने फैशन के अकॉर्डिंगली कपड़े, और सबसे पहले इनके लिए आता है साइकोलॉजिकल कम्फर्ट, सो इसमें भी यही सारे पॉइंट्स हैं। फिर आ जाते हैं अडल्ट की क्लोथिंग पे, तो इनके कपड़े कैसे होने चाहिए, एलिगेंट होने चाहिए, कंफर्टेबल होने चाहिए, क्योंकि अब यूजुअली अडल्ट जो होते हैं वो जॉब करते हैं, सो उनके कपड़े जो होते हैं ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंगली भी होने चाहिए, ये नहीं कि एकदम पता नहीं क्या टाकी से बन के चले गए ऑफिस में, मे बी रेड कलर का कोट और ग्रीन कलर की पैंट्स पहन के चले गए, ऑफकोर्स ऐसा तो कोई नहीं करता, एकदम डिसेंट और एलिगेंट लुक में जाते हैं कि प्रोफेशनल लगे। ओके,
गुड कंडक्टिविटी होनी चाहिए, एयर परमीएबिलिटी, रिंकल रेजिस्टेंट हो, क्योंकि बार बार तुम ऑफिस जाओगे वही कपड़े काफ़ी टाइम बाद रिपीट होते ही रहते हैं ऑफिस के कपड़े, तो इसीलिए तुम्हें बार बार आयरन करने की ज़रूरत ना हो, इसीलिए रिंकल रेजिस्टेंट होना चाहिए, गुड क्वालिटी फैब्रिक होना चाहिए, इनफ फास्टनर्स होना चाहिए और डीप पॉकेट साइज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जिसके अकॉर्डिंगली हमें कपड़े पहनने चाहिए, नहीं तो तुम जोकर लगोगे। मतलब जोकर इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा लूज कपड़े पहन लिए, बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े पहन लिए, एकदम कंफर्टेबल टाइप के कपड़े होने चाहिए ताकि तुम्हें भी ईज फील हो और सामने वाला भी तुम्हें देख के ऑकवर्ड फील ना करे। ओके, सो साइज़ में सबसे पहली चीज़ तो यही है कि जितने भी कपड़े बनाए जाते हैं वो एवरेज फिगर साइज़ को ध्यान में रख के बनाए जाते हैं। सो कुछ लोगों का हो सकता है कि अपर पोर्शन या लोअर पोर्शन कुछ हैवी हो इन कंपैरिजन टू द रेस्ट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, सो उसके लिए स्पेशल टेक्निक्स यूज़ करी जाती हैं, जैसे कि फ्रिल्स हो गए, हॉरिजॉन्टल कपड़े हो गए पहनना हो गया, या फिर वर्टिकल लाइंस के कपड़े लेंथ बढ़ाने के लिए हॉरिजॉन्टल विड्थ बढ़ाता है, सो उन चीज़ों का यूज़ किया जाता है। जैसे कि ये सारी चीज़ें हम पढ़ ही चुके हैं लास्ट चैप्टर में एलिमेंट्स ऑफ आर्ट्स में, तो लाइंस जैसे यूज़ हो गया हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस, ये एक इल्यूजन क्रिएट करेंगी, सो वो सब हम पढ़ चुके हैं कि कैसे अगर डिस्प्रोपोर्शनेट उनके बॉडी पार्ट्स हैं तो उनको कैसे इल्यूजन क्रिएट किया जाए कि वो परफेक्ट लगें, थिंग्स लाइक दैट, ये हम इससे पिछले वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। सो अगर तुम्हें रॉन्ग साइज़ नहीं, देखो होता क्या, अगर तुम कोई भी रॉन्ग साइज़ के कपड़े चूज़ कर लोगे तो तुम्हें बार बार शॉपकीपर के पास, अगर दूर है तो उसके पास जाके कपड़े चेंज कराने पड़ेंगे, शॉपकीपर चार बहाने करेगा कि मैं चेंज नहीं करूँगा एंड थिंग्स लाइक दैट वॉट एवर इट इज़, कि तुमने एक बार कपड़ा पहन लिया और हम यूज़ कपड़े नहीं देंगे या वॉट एवर इट इज़, कुछ भी हो सकता है। सो रॉन्ग साइज़ के कपड़े ना पहनो, इसीलिए तुम्हें अपने साइज़ बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। यूजुअली क्या होता है मोस्टली कि एक ही साइज़ चलता है, जैसे कि डिफरेंट ब्रांड्स में तुम्हारा लार्ज साइज़ होगा सपोज़, बट हो सकता है कोई स्पेसिफिक ब्रांड हो जिनमें तुम्हारा एक्स्ट्रा लार्ज हो या फिर मीडियम हो, तो वो तुम्हें खुद से देखना पड़ेगा। यहाँ पे एक टेबल दे रखा है लेबल्स के बारे में, ये तुम रीड मार लेना, बहुत ईजी है। ओके, फिर आता है क्लाइमेट, सबसे ईजी टॉपिक, मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है कॉटन और वूल का, यही कि सर्दियों में तुम कॉटन तो पहनोगे नहीं, तुम ऐसे कपड़े पहनना चाहोगे जिन्हें, जिन कपड़ों से तुम्हें थोड़ी सी गर्मी मिले, वार्म्थ महसूस हो, तो इसीलिए तुम वूलन कपड़े पहनते हो, और गर्मियों में तुम कॉटन पहनते हो ताकि थोड़ा सा वो स्वेट भी अब्जॉर्ब कर पाए और तुम्हें कंफर्टेबल भी फील हो और हवा भी पास हो पाए। ओके, फिर आता है ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंगली कपड़े पहनोगे, जैसे कि कोल माइनर है तो वो डार्क कलर के कपड़े पहनेंगे, अगर कोई तुम्हारे फायर फाइटर्स हैं तो वो फायर प्रूफ आउटफिट्स पहनेंगे एंड थिंग्स लाइक दैट। उसी तरीके से एयरलाइन के, स्पेसिफिक एयरलाइंस के डिफरेंट तरीके के एयर होस्ट्रेसेस कपड़े पहनती हैं जिस तरीके के उन्हें प्रोवाइडेड होते हैं। अगर तुम ऑफिस एनवायरनमेंट में भी जा रहे हो तो तुम एलिगेंट कपड़े पहनना पसंद करोगे रादर देन टैकी। ओके, फैशन ट्रेंड्स वो होते हैं जो लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल एक टाइम पे पहनते हैं, दैट इज़ जैसे एक फैशन चला था बहुत ज़्यादा चोकर का, जो नेक में पहनते हैं, तो उसका बहुत ज़्यादा फैशन चला था एक टाइम पे, पर अभी वो बहुत ज़्यादा थोड़ा सा मतलब काइंड ऑफ कम हो गया, अभी भी कुछ बहुत कम लोग पहनते हैं। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट है फिगर, दैट इज़ कि इंसान को अपनी फिगर के अकॉर्डिंगली कपड़े पहनने चाहिए, अगर फिगर परफेक्ट नहीं भी है तो भी उसे परफेक्ट दिखाया जा सकता है एक इल्यूजन के थ्रू, जो कि हो सकता है तुम एलिमेंट्स ऑफ आर्ट के थ्रू शायद तुम दिखा रहे हो, जैसे कि लाइंस के थ्रू, जैसे कि हॉरिजॉन्टल लाइंस के थ्रू या वर्टिकल लाइंस के थ्रू, उन सारी चीज़ों के बारे में अभी हम बात करते हैं। सबसे पहले तो ये टेबल बहुत अच्छे से पढ़ लेना, अच्छा टेबल है, काफ़ी अच्छे से तुम्हारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे अगर तुमने सारा पढ़ लिया तो, और मैं मेन पॉइंट्स को हाईलाइट करके बता देती हूँ, जैसे कि अगर कोई स्टाउट और फैट पर्सन है, मतलब छोटा और मोटा इंसान, ओके, सो वो कैसे कपड़े पहनेगा, वर्टिकल लाइंस के कपड़े पहनने से क्या होगा, एक इल्यूजन क्रिएट होगा कि वो थोड़ा सा लंबा है, स्मॉल प्रिंट्स एंड चेक्स के कपड़े वो उसको थोड़ा सा स्लेंडर लुक देंगे, वेल फिटेड क्लोथ्स होने चाहिए, बहुत ज़्यादा टाइट और बहुत ज़्यादा लूज़ नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा लूज़ हुए तो वो और थोड़ा अपने एक्चुअल वेट से ज़्यादा हो सकता है फैट लगे, और अगर बहुत ज़्यादा टाइट क्लोथ्स हुए तो वो और फैट अपीयर होगा। ओके, फिर है शॉर्ट एंड स्लेंडर, क्योंकि उसकी हाइट छोटी है इसीलिए हाइट का लेंथ का इल्यूजन दिखाने के लिए हम वर्टिकल लाइंस यूज़ करेंगे उसके कपड़ों में। स्लेंडर बहुत ज़्यादा पतली भी है इसीलिए मीडियम साइज एक्सेसरीज, टॉल एंड स्लेंडर गर्ल, दैट इज़ कि पतली और लंबी लड़की के लिए क्या कपड़े होने चाहिए, जैसे कि हॉरिजॉन्टल लाइंस क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हाइट कट करने के लिए, हाइट बहुत ज़्यादा है हॉरिजॉन्टल लाइन से हाइट कट होगी। पफ स्लीव्स क्योंकि बहुत ज़्यादा पतली लड़की है, पफ स्लीव से थोड़ी सी उसे वेट मिलेगा। लार्ज प्रिंट और फ्लावर्स चेक्स पतली लड़कियों पे अच्छे लगेंगे, क्योंकि जो उनकी, हम बेसिकली करना क्या चाहते हैं, हम एक परफेक्ट इमेज बनाना चाहते हैं परफेक्ट फिगर के अकॉर्डिंगली।
तो ये परफेक्ट इमेज बनेगी कैसे, परफेक्ट फिगर से जिसका हम अभी इल्यूजन दे रहे हैं। लार्ज बर्स्ट अगर कोई किसी की है तो वी शेप कपड़े पहनने चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज प्रोमिनेंट एब्डोमिन के लिए स्मॉल प्रिंट्स, ड्रेसेस विद हाई वेस्ट एंड स्मॉल बॉडीज, हैवी आर्म्स है बहुत ज़्यादा तो प्लेन फुल स्लीव्स पहननी चाहिए। शॉर्ट स्लीव्स क्यों नहीं पहननी चाहिए, ये नहीं पहनना चाहिए, ये वाला कॉलम सारा। शॉर्ट स्लीव्स इसलिए नहीं पहननी चाहिए क्योंकि एक तो ऑलरेडी हैवी आर्म्स हैं और शॉर्ट स्लीव्स पहनोगे तो वो चीज़ हाईलाइट होगी, हमें वो चीज़ हाईलाइट नहीं करनी है, हमें उन हैवी आर्म्स को थोड़ा सा पतला दिखाना है काइंड ऑफ। तो उन्हें फुल स्लीव्स अगर कपड़े पहनेंगे तो वो सारा जो वेट होगा हैवी आर्म्स का वो थोड़ा सा हाइड होगा और उससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी थोड़ा सा स्लेंडर अपीयरेंस देने में। शॉर्ट नेक है तो उसमें भी वी गला वी शेप का नेक पहनना चाहिए। लार्ज हिप्स के लिए क्या करेंगे, शर्ट विद नो बेल्ट। ओके, यहाँ पे इमेजेस भी दे रखी हैं अच्छे से समझाने के लिए, सो वो भी देख लेना। नेक्स्ट है ओकेजन, ओकेजन के अकॉर्डिंगली कपड़े पहने जाते हैं। जैसे फेस्टिव सीजन है, कोई फेस्टिवल आ गया है तो उस दिन हम ब्राइट कलर के कपड़े पहनेंगे या फिर थोड़े से जिनमें काम ज़्यादा हो रखा होगा उस टाइप के। अगर फ्यूनरल का केस है या फिर कोई ऐसा ओकेजन है तो उस पर हम डल और सोबर कपड़े पहनेंगे। ओके, वेयर एज अगर स्पोर्ट्स की बात है तो उसमें हम स्ट्रेचेबल और एब्जॉर्बेंट कपड़े पहनना चाहेंगे क्योंकि वो हम लंबे टाइम तक स्पोर्ट्स खेलते हैं। ट्रैवलिंग के टाइम पे हमें क्या चाहिए कि रिंकल फ्री हों और स्टेन रेजिस्टेंट कपड़े हों। नेक्स्ट है ड्रेप, ड्रेप का टॉपिक ही अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, बट टू बी स्पेसिफिक ये वाले पॉइंट ज़रूर याद करके जाना, ये दो नहीं आगे कंटिन्यू भी हो रहे हैं, मतलब वो दो भी, ये टॉपिक स्पेसिफिकली छोड़ रही हूँ ताकि तुम खुद से एफर्ट करो और ये पढ़ो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा चांसेस है मतलब कि ये तुम्हारे पेपर में आ जाए ये वाले पॉइंट्स। हाउ टू चेक द ड्रेप ऑफ अ रेडीमेड गारमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर बोल रही हूँ ज़रूर करके जाना ये वाले सारे पॉइंट्स, और बाय हार्ट तुम्हें याद होने चाहिए, ये वाला क्वेश्चन रीड मार लेना सिर्फ। फिर आते हैं कॉस्ट पे, सपोज कर लो तुम्हें एक टी शर्ट चाहिए, उसका यूजुअल प्राइस मोस्ट ऑफ दी दुकानों पे 250 रुपीज़ है, कहीं पे 500 है और हो सकता है तुम्हें बहुत ही चीप 50 रुपये में वो मिल रही हो। अब क्या होता है ना, प्राइसिंग के अकॉर्डिंगली क्वालिटी में भी फ़र्क होता है। जैसे 50 रुपीज़ की आज तुमने वो टी शर्ट खरीद ली, वो टी शर्ट से क्या होगा, हो सकता है उसका कलर ब्लीड कर जाए, दैट इज़ कि अगर कोई रेड कलर की टी शर्ट है पानी में तुम निकालो उसको धो तो उसका रेड कलर बाकी कपड़ों पर जाके स्टिक हो जाए। अगर ऐसा होता है कि उसका रेड कलर एक तो बाकी कपड़ों पर जाके, अगर रेड कलर ब्लीड हो जाता है बाकी कपड़ों पर ला के लग जाता है तो तुम्हारे बाकी कपड़े भी ख़राब हो गए। अब वो 50 रुपये की चीज़ तुम्हें कितनी महंगी पड़ गई, कि मतलब तुमने ख़रीदा तो 50 रुपये में, रेड कलर की वो जो टी शर्ट थी फर्स्ट वॉश के बाद उसका सारा रेड कलर उतर गया और वो टी शर्ट जो है वो भी श्रिंक हो गई, छोटी हो गई सूख के ड्राइंग के बाद। सो टी शर्ट तो फेंकनी पड़ेगी, साथ ही साथ उसका जो कलर ब्लीड हुआ है रेड कलर का वो बाकी कपड़ों पे भी लग गया, बाकी कपड़े भी ख़राब हो गए। अब वो तुम इतने ज़्यादा यूज़ करके पहन नहीं पाओगे क्योंकि तुम्हें पहनते हुए भी होगा यार कैसे कपड़े पहन रहे हैं, इन पर तो कलर लगा हुआ है अजीब तरीके का। सो वो 50 रुपये का कपड़ा तुम्हें काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ गया, इससे अच्छा है बजट में लो। हाँ बजट में लो, एक्सेसिव बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव कपड़ों की तरफ जाने की जरूरत नहीं है, पर बजट में जितना एक्चुअल प्राइस होता है उसी प्राइस पे, और इनफैक्ट लेबल्स भी लगे होते हैं कपड़ों पे जो तुम्हें काफ़ी सारी चीज़ें बता देंगे उन कपड़ों के बारे में, जिससे तुम्हें हेल्प मिलेगी अच्छे कपड़े खरीदने में। फिर आता है वर्कमैनशिप, तो ये टॉपिक तो अपने आप में ही पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कुछ भी कहीं से भी उठा के इसमें से पूछा जा सकता है, लिटरली कुछ भी पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में अभी हम बात करेंगे। बट पहले तो मैं एक छोटी सी समरी समझा दूँ कि ये सारा अभी हम बात करते हैं। देखो बट ये वाला जो टेबल है स्पेसिफिकली लेबल्स के बारे में, वॉशिंग इंस्ट्रक्शंस ऑन केयर, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेबल है, मैंने यहाँ पे इसे 5 स्टार दे दिए हैं। ये टेबल कुछ भी हो इस चैप्टर में तुम्हें ये टेबल ज़रूर करके जाना है, मतलब देयर आर 99.9% चांसेस कि ये टेबल आएगा ही आएगा। तो तुम्हें हर एक लेबल बाय हार्ट याद होना चाहिए, इन द सेंस कि तुम्हें उसका डायग्राम भी पता होना चाहिए और उसका मीनिंग और नेम भी पता होना चाहिए। जैसे कि ये क्या है, अगर डायग्राम में पूछा जाए ये टंबल ड्राई का साइन है। ओके, और हो सके तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में भी तुम नेट पे सर्च कर लेना। मेरा इस स्टेटमेंट से क्या मतलब है कि नेट पे सर्च कर लेना इन्फॉर्मेशन, जैसे कि कुछ लोगों को मतलब नहीं पता होंगे जैसे कि टंबल ड्राई का मतलब क्या होता है। अगर तुम कह रहे हो कि वॉशिंग मशीन से रिलेटेड है तो हाँ, पर वॉशिंग से रिलेटेड नहीं है, वॉशिंग के नेक्स्ट स्टेप से रिलेटेड है, क्योंकि तुम देखो मशीन का ऑलरेडी दिया हुआ है, तो टंबल ड्राई का मतलब क्या हुआ,
नाम में ही छुपा हुआ है यार, बच्चों को पता ही नहीं होता है। सो पेपर में अगर इसके बारे में भी कुछ पूछ लिया तो वो लिख नहीं पाएंगे क्योंकि उन्हें पता नहीं है। ड्राई, सुखाना कपड़ों को, आफ्टर वॉशिंग उन कपड़ों को सुखाना, वो आता है टम्बल ड्राई में। तो ये सारे साइंस के साथ तुम्हें इनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। ये नहीं कि अगर गलती से उन्होंने क्वेश्चन में पूछ लिया है कि एक्सप्लेन टम्बल ड्राई या समथिंग लाइक दैट, तो तुम्हें बिल्कुल ही नॉलेज नहीं है उस चीज़ के बारे में कि वो होता क्या है। थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा खुद से भी पढ़ के जाना, वैसे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कुछ भी पूछा जा सकता है। मतलब तुम लिख के ले लो कि 99.9% ये तुम्हारे पेपर में आएगा ही आएगा। ओके सो ये बहुत अच्छे से करना है तुम्हें। तो पहली चीज आती है कटिंग। कटिंग में क्या होता है, पहला पॉइंट यही है कि लेंथ जो होती है फैब्रिक की उसे कट करना चाहिए आइदर ऑन द 2x और अलोंग द ग्रेन। फैब्रिक जो है इस कट ऑफ ग्रेन, दैट इज कि जो वैप एंड वेफ्ट यार्न है उन्हें राइट एंगल पे ही कट करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो जो फैब्रिक होगा ना वो विड्थ से नहीं बल्कि लेंथ से बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो जाएगा, तो इसीलिए वो अनकंफर्टेबल हो जाएगा पहनने के लिए। सो इसीलिए जो ग्रेन है, जो फैब्रिक का ग्रेन है, वो 90 डिग्री एंगल, राइट एंगल पे ही कट होना चाहिए प्रॉपरली। फिर इसी तरीके से यहाँ पे प्रिंट्स के बारे में भी है कि केयर करनी चाहिए कि जो प्रिंट्स हैं उन्हें सही जगह पे तो प्लेस किया जा रहा है ना, कि फ्रंट पे और बैक पे सही जगहों पे, स्लीव्स पे, पॉकेट पे सही तरीके से तो प्रिंट किया जा रहा है ना। और इसी तरीके से लिखा हुआ है कि पाइपिंग जो है शुड बी कट ऑन 2x टू गेट द मैक्सिमम स्ट्रेच इन कर्व्ड पार्ट सच एज नेक लाइन, राउंड हेम एक्सेट्रा। ओके नेक्स्ट है हमारा शेपिंग डिवाइसेस। शेपिंग डिवाइसेस वो डिवाइसेस होते हैं बेसिकली जो कि गारमेंट को एक साथ इकट्ठा पकड़ के रखते हैं, जैसे कि क्या, थ्रेड। थ्रेड हम मैचिंग का गारमेंट जिस भी कलर का है उससे मैच करके उसी कलर का थ्रेड यूज़ करते हैं ताकि वो इतना प्रोमिनेंटली हमें दिखाई ना दे। ओके स्टिचेस, स्टिचेस भी यूज़ किए जाते हैं, स्मॉल और इवन होने चाहिए, कंटिन्यूस होने चाहिए और स्ट्रेट होने चाहिए, अनइवन एकदम नहीं होने चाहिए कि इधर उधर जा रहे हैं, स्ट्रेट लाइन में होने चाहिए। सिक्योर्ड फास्ट स्टिचेस जो होते हैं वो राइट हैंड साइड से इनविजिबल होने चाहिए, विजिबल होने चाहिए। सीम्स जो होती हैं वो विड्थ से यूनिफॉर्म होनी चाहिए। और साथ ही साथ हम इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि जितना थिक कपड़ा है उतनी ही लंबी लंबी स्टिचेस करें और जितना पतला कपड़ा है उतनी ही शॉर्ट स्टिचेस करें। सीम्स की जो एजेस होती हैं वो बहुत नीट होनी चाहिए। हेम्स में भी सीम्स की तरह ही कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि हेमिंग जो होती है वो बहुत ज़्यादा बल्की नहीं होनी चाहिए, शुड लाई फ्लैट एंड इवन। स्टिचेस जो होते हैं शुड बी इनविजिबल फ्रॉम द राइट साइड। फिर नेक्स्ट टॉपिक है फास्टनर्स। फास्टनर्स को हम यूज़ इसलिए करते हैं ताकि वो गारमेंट को एक साथ टुगेदर होल्ड कर सकें, जैसे कि बटन्स हैं। तो बटन्स में हम क्या ध्यान रखेंगे कि अगर बहुत ज़्यादा फैंसी बटन्स हैं तो वो रिमूवेबल, डिटैचेबल हो ताकि क्लॉथ ईजीली धुल पाए। फिर आता है हुक्स। हुक्स वहाँ पे यूज़ होते हैं जहाँ पे एरिया ऑफ स्ट्रेन होता है। हुक्स वहाँ पे लगते हैं जहाँ पे दो कपड़े एक तरीके से ओवरलैप कर रहे होते हैं। तो ये बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि हुक्स जो होते हैं वो कहाँ लगते हैं, अंडर साइड ऑफ द ओवरलैप, और आईज जो होती हैं वो लगती हैं अपर साइड ऑफ द अंडरलैप। एंड हुक्स और आईज का वेल अलाइंड होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो हुक बंद नहीं होगा। वेलक्रो एंड स्नैप बटन ये भी यूज़ किया जाता है शोल्डर्स पे या ऐसे एरियाज पे जहाँ पे ज़्यादा स्ट्रेन नहीं लगता। तुमने स्पेसिफिकली देखा होगा वेलक्रो और स्नैप बटन जो होते हैं वो ज़्यादातर छोटे बच्चों के कपड़ों में यूज़ होते हैं। फिर जिप्स, जिप्स के बारे में भी तुम्हें पता है, जिपर के बारे में भी, इसमें ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, रीइंफोर्स विद डबल थ्रेड। फिर नेक्स्ट आता है हमारा प्लैकेट। प्लैकेट जो होते हैं वो ओपनिंग पे लगाए जाते हैं, कहाँ पे, स्कर्ट्स में, ब्लाउज, शर्ट्स, शोल्डर स्लीव्स एक्सेट्रा, सारी चीज़ों में लगते हैं। अंडरलैप जो होता है वो विजिबल नहीं होना चाहिए फ्रॉम द राइट हैंड साइड। फिर नेक्स्ट आता है हमारा नेकलाइन। ऑफकोर्स जब हम किसी भी कपड़े में किसी भी तरीके की स्टिचिंग या कोई भी चीज़ कर रहे हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम मैचिंग कलर से कर रहे हो, नो अनरैवलिंग, कोई फ्रेंग ना हो रही हो और पकड़िंग ना हो रही हो, एंड साथ में नीट और सिमेट्रिकल होना चाहिए एकदम। और ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कर लेना कि बुकरम शुड बी यूज सारे कॉलर्स में एक्सेप्ट फॉर द चाइल्ड्स गारमेंट, ये वाला। नेक्स्ट है हमारा स्लीव्स। आर्म होल्स जो होते हैं वो एकदम नीटली फिनिश्ड होने चाहिए और जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है अंडर आर्म रीइंफोर्स्ड विद डबल थ्रेड। फिर नेक्स्ट है पॉकेट्स। पॉकेट्स जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेटली पोजिशनड होनी चाहिए और ये पॉइंट एक कर लेना कि अपर कॉर्नर शुड रीइंफोर्स्ड विद डबल थ्रेड, 1/8 to 1/4 टॉप स्टिचिंग शुड बी डन। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लाइनिंग के बारे में। स्पेशली लाइनिंग तुमने मोस्टली देखी होगी कोट्स के अंदर, बहुत ज़्यादा कॉमन है, कोट्स में बहुत बार लाइनिंग होती है, लाइट एंड वेट होती है, और लाइनिंग जो होती है वो शॉर्ट होनी चाहिए दैन द आउटर गारमेंट। ये बात बहुत ज़्यादा ऑब्वियस है, ये पता ही होनी चाहिए।
फिर ट्रिमिंग में ये है कि मैचिंग या कंट्रास्टिंग कलर्स के थ्रेड यूज करने चाहिए, प्लीट्स जो होती हैं वो डीप होनी चाहिए ताकि फॉल इवनली बन सके। फिर आता है केयर लेबल, ये बहुत ज़्यादा पूरा पेज इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हें बताते हैं कि तुम्हें जो भी फैब्रिक है उसकी केयर कैसे करनी है, दैट इज़ उसको कितने डिग्री पे या कितने से ज़्यादा पे वॉश नहीं करना है या कितने पे आयरन नहीं करना है या टम्बल ड्राई करना है कि नहीं करना है एंड थिंग्स लाइक दैट। सो ये सारे साइंस तुम्हें बहुत अच्छे से पता होने चाहिए, 99.9% ज़रूर आएगा कोई ना कोई एक साइन तुम्हारे एग्ज़ाम में, तो ये ज़रूर बहुत 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 अच्छे से करके जाना पेपर में। अच्छा, यहाँ पे जो टेबल दिया हुआ है वैसे तो तुम्हें रीड करने से समझ आ जाएगा, पर मैंने इसके लिए एक स्पेसिफिकली वीडियो बनाई है, वो मैं इसी वीडियो के साथ अटैच कर दूंगी, पर मैं अभी एक्सप्लेन कर देती हूँ उस वीडियो में है क्या। सो बेसिकली एक पॉलिएस्टर की बेडशीट है, पॉलिएस्टर मिक्स की, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है एक्रेलिक है और पॉलिएस्टर हो अगर, और पॉलिएस्टर मिक्स भी हो तो भी उसकी एब्जॉर्बेंसी जो होती है, जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी होती है, वो ज़्यादा नहीं होती है या फिर मोस्टली होती ही नहीं है। वो डिपेंड करता है कि पॉलिएस्टर प्योर है या फिर उसमें मिक्स है, किसका है, थिंग्स लाइक दैट। और कॉटन जो होता है वो बहुत जल्दी मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, कॉटन जो होता है ना वो बहुत जल्दी मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये तो तुम अपनी डेली लाइफ में देखते ही हो, कॉटन के कपड़े जब गर्मियों में पहनते हैं उस पर पानी जाए तो पानी एकदम से कॉटन का कपड़ा सोख लेता है, पर पॉलिएस्टर जो होता है वो इतनी ईजीली मॉइस्चर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, उसी बारे में वीडियो है। सो वीडियो स्टार्ट होगी अब। एंड आई थिंक कि ये क्वेश्चन आंसर्स बहुत ईजी हैं, तुम खुद से कर सकते हो, फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं बता दूंगी। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो।